SSCL की कुसमुंडा खदान में होने वाली ब्लास्टिंग के कारण खदान से लगे गांव में रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हैवी ब्लास्टिंग से प्रभावित ग्रामीण विस्थापन की मांग को लेकर खदान के भीतर प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बरपाली गांव में एक ग्रामीण के घर का छप्पर भरभरा कर नीचे गिर गया। गनीमत यह रही कि छत गिरने से पहले पूरा परिवार घर से बाहर आ गया था, नहीं तो बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता था। SSCL की कुसमुंडा खदान से लगे गांव में रहने वाले ग्रामीण अब सुरक्षित नहीं हैं। कोयला उत्पादन के लिए खदान में होने वाली हैवी ब्लास्टिंग के कारण लोगों की आवाज प्रभावित हो रहे हैं, जिससे ग्रामीणों की जान खतरे में पड़ते दिखाई दे रही है। खदान से सटे ग्राम बरपाली में एक ऐसी ही घटना सामने आई, जहाँ देखते ही देखते हरिदास नामक ग्रामीण के मकान का छप्पर भरभरा कर नीचे गिर गया। इस घटना की आहट परिवार वालों को पहले ही हो गई, लिहाजा उन्होंने घर से बाहर निकलकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। हरिदास की पत्नी ने बताया कि वे अपने बच्चों को लेकर दोपहर के वक्त घर पर सो रही थी, तभी पड़ोसी ने उन्हें जगाया, जिसके बाद वे कमरे से बाहर निकली, जिसके बाद घर की छत गिर गई। कहा जा रहा है कि खदान में ब्लास्टिंग होने के कारण यह सब कुछ हुआ है। अब कल दगानी हुई से यहाँ सोए रहे बच्चा लोग, खाना उना खा के अब फिर दगानी हुई ना, थोड़ा कोई आया बाहर में, बाहर निकले उसके बाद दगानी हुई तो पूरा घर टूट गए। बाल बच्चा थोड़ा देर और रुक रहा था, पूरा सब खत्म हो जा रहे थे। इतना दिन के हो कल पार्षद को बुलान, अब आके देख गए, अब बना देबो कह के कहा थे, अब बनाते नहीं। अब खदान में हुई से यहाँ एहसास तो पूरा ग्यौरा तक हो थे। कितना दूर है खदान यहाँ से? अब कहाँ आए थे तो नजदीक। रोज होता है ब्लास्टिंग? डेली रोज, चार पांच बार होते, एक बार नहीं। कल हम लोग सोए थे यहाँ, जब ब्लास्टिंग हुआ पहले आया कमलेश और गाड़ी वाला ना, फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकले, फिर उसके बाद ब्लास्टिंग हुआ करीबन 4 बजे टाइम। फिर उसके बाद आके देखे तो मैं अपने मम्मी को बोली कि मम्मी देखो ना घर कैसे टूट गया करके। हरिदास के पड़ोस में रहने वाले एक और ग्रामीण का मकान क्षतिग्रस्त हुआ है। मेदनीबाई नामक महिला ने बताया कि उसके घर की दीवारें दरक गई हैं और घर की शीट भी पूरी तरह से टूट गई है। बरपाली की तरह कुसमुंडा खदान से लगे पाली पड़निया जटराज गांव का भी यही हाल है, जहां ग्रामीणों के घर ब्लास्टिंग के कारण प्रभावित हो रहे हैं। समय रहते अगर इनका विस्थापन नहीं किया गया तो बड़ा हादसा होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज़।